तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ डाउट नर्ड। तो जैसे कि आप जुड़े हैं मेरे साथ लेक्चर नंबर 6 में मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आज हम थ्योरी पार्ट पे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेंगे, ठीक है। डोमेन्स यानी कि एक लास्ट डोमेन हमारी बायोस्फेयर, उसके ऊपर एंड करेंगे। बट उससे पहले कल मैंने एक पोर्शन आपका स्किप करवाया था, एंड दैट इज द मूवमेंट ऑफ द एयर। आपकी मूवमेंट ऑफ द एयर पे हमने टॉपिक खत्म किया था, ठीक है। और उसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करना बच्चे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एयर का मूवमेंट है ना, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, बहुत ही थोड़े सेंस में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आप 9th-10th में जाएंगे ना ज्योग्राफी में, यही जो कॉन्सेप्ट है इसका एक अलग से चैप्टर है, प्लस बहुत ही एक्सपैंडली इसको दिया हुआ है। तो इसको अभी समझ लेंगे, खाली नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। सोलर इंसुलेशन मतलब सूर्य की किरणों के साथ हवा का रुख कैसे हो जाता है, आप देखिए विंड ब्लो करती है, ठीक है। विंड कैसे ब्लो करती है, आपने मतलब सुना होगा कि भैया जब बारिश हो जाती है तो हमारे केरला में पहले मानसून आता है, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 हमारे जो प्लेन एरियाज़ हैं, हमारे दिल्ली हरियाणा, ये जो मतलब प्लेन एरियाज़ हैं, यहाँ तक मानसून आता है। तो ऐसा क्यों होता है? समुद्र के पास के जो शहर होते हैं, मतलब जो वहाँ के स्टेट्स हैं, वहाँ के राज्य हैं, वहाँ पर पहले क्यों आते हैं, और धीरे धीरे जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पर बिल्डअप क्यों होते हैं? तो उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि हमारी हवा जो है ना, कहते हैं ना भैया लू चल रही है और पश्चिमी क्षेत्रों से मतलब हवाएँ चल रही हैं, ठीक है। तो वो जो रुख है वो कैसे होता है, मैं आपको नॉर्मल चीज़ों में बताऊंगी। जब आप 7th में जाएंगे तो एयर के ऊपर एक अलग से चैप्टर है, उसमें आप चीज़ों को और ज़्यादा तरीके समझेंगे। जो 6th क्लास में जितना दिया हुआ है उसी को समझाएंगे, पर उसको बच्चे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद माई क्विक इंट्रोडक्शन। सो दैट्स मी रीमा शिल, योर सोशल साइंस टीचर ऑन डाउट नट। आपने क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में डाउट्स दे दो, ठीक है। और इंटरेक्शन का हमारा यही तरीका है, तो ये काम अच्छे से कर दिया करो बच्चे। तो इस चीज़ में कमी मत छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे कई बच्चों के डाउट्स मिले हैं कि मैम आपने पुराने सेशन वाले डाउट्स नहीं लिए, तो आप मुझे बता दो क्या क्वेरी थी। वो बच्चे इधर उधर कमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बता दो, कोई इशू नहीं, आप दोबारा कॉमेंट कर दो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक योर डाउट। क्लास 6 का जो मॉर्निंग बैच है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है 9 बजे से, लेकिन आप और मैं मिलते हैं 11 बजे, और वो भी सोशल साइंस की क्लास के लिए। इसी के साथ ही हमारा जो इवनिंग बैच है उसमें हमारी क्लासेस लगती हैं बच्चे शाम को 6 बजे, और दोनों ही हमारे क्लासेस में अलग अलग चैप्टर चल रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का, ठीक है। और आप अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग अबाउट 4700 ईयर्स अगो, ठीक है। कैसी चीज़ें थी, क्या था सब कुछ। प्रीवियस टॉपिक हमारे क्या थे, एटमॉस्फेयर। हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने लेयर्स के बारे में जाना था, ठीक है। कितनी क्या लेयर्स होती हैं, कैसे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो डिवाइडेड है डिफरेंट लेयर्स में। 5 लेयर्स हमें यहाँ पे मिलती हैं। इसी के साथ ही आपके 5 लेयर्स में हर एक लेयर में एक एक स्पेशलिटी होती है। मैंने आपकी सारी चीज़ों के बारे में बताया था, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर से लेके आपकी जो लास्ट लेयर है दैट इज़ योर एग्जॉस्फेयर, उनके बीच में हमारी ओजोन होती है, ठीक है। सो हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज़ अ ब्लैंकेट, ठीक है। उसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि मैंने डाउट्स देखे हैं बहुत बच्चों के हैं। इसी के साथ ही जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ बायोस्फेयर द डोमेन ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या है कॉज आपका मतलब बायोस्फेयर जब हम पढ़ते हैं तो उसको लास्ट में एक टॉपिक पे एंड कर देंगे। बायोस्फेयर के बारे में थोड़ा सा जो इंटरेक्शन पॉइंट इसको हम कहते हैं उसको समझा के आई विल डेफिनेटली गोइंग टू एंड दिस चैप्टर नाउ। चलो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो कि हम हर बार करते हैं। जैसे कि आपका 18 जुलाई को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके दौरान आपको सभी कोर्सेज पे 100% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, 18 जुलाई से पहले बच्चों रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो वो आप कर लेना। इसी के साथ ही आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 8 जुलाई से। यहाँ पे आप अंग्रेजी लिख तो लेते हैं, बच्चे बोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैम आपको सारी वोकैबुलरी और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाने वाली है, ठीक है। चलो अब लेते हैं एक छोटा सा क्विज, और जो भी हमने कल चीज़ें करी थी उसके बेस पे एक बार चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन लो, द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ, हमारा जो हाइड्रोस्फेयर है, जब हम हाइड्रोस्फेयर की बात करते हैं तो हम किस चीज़ों की बात कर रहे हैं, वाटर, आइस, वेपर या फिर ऑल ऑफ द अबव, जल्दी बताइए। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ का मेन कॉम्पोनेंट हम किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर या फिर सभी चीज़ें, ऑल ऑफ द अबव, जल्दी बता दो, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन अ वेरी ब्रॉडेड वे. नेक्स्ट, वाई इज अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, हमारा जितना भी पानी है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है ह्यूमन यूज के लिए, 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, प्रेजेंस ऑफ वेरी वेरी फ्रेश वाटर, वेरी लेस फ्रेश वाटर या फिर नन ऑफ दीज, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमने सोलर सिस्टम से ये चीज़ सीखी है तो ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाते हैं जब आप SST पढ़ते हैं तो. ओके डन है, चलो अब करते हैं आंसर्स फटाफट से एंड देन वी विल मूव ऑन. तो हाइड्रोस्फीयर इज अ कंप्राइजेस ऑफ, ऑब्वियसली बात है, वाटर भी है, आइस भी है. अब बच्चों आप ना मतलब कंफ्यूज मत होना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोस्फीयर तो हम ग्लेशियर्स की बात भी करते हैं, हम इवेपोरेशन यानी कि एटमोसफेयर की बात भी करते हैं, जो वाटर वेपर बन रहा है वो भी किससे बन रहा है, वो ऑब्वियसली बात है हमारे जो सीज ओशंस हैं उसी से इवेपोरेट होकर बन रहा है, ठीक है, ऊपर जाते जाते ये हो जाता है गैसेस फॉर्म में, बट होता तो इसमें कंटेंट हमारा हाइड्रोस्फेयर ही है ना, यानी कि हमारा पानी ही होता है भाप में, ठीक है. आइस ऑब्वियसली बात है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो छोटी क्लासेस में आप सीख लेते हैं, ठीक है. वाटर इज इटसेल्फ, ठीक है. सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर द करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ, हम मेन कॉम्पोनेंट ना अगर हम सोचें कि भैया हमारा मेन कॉम्पोनेंट क्या है, लिथोस्फेयर होगा, एटमोसफेयर होगा या हाइड्रोस्फेयर होगा, तो आप ये देख लो तीनों ही हमारे जो कॉम्पोनेंट हैं वो हमारी लाइफ को पॉसिबल करते हैं, ठीक है. हम तीनों में से किसी भी चीज़ से एक कॉम्पोनेंट को हम नहीं चूज कर सकते, ठीक है. सो ऑल द ऑप्शंस आर द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, आइदर इट इज अ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और आपका एटमोसफेयर, ठीक है. तीनों ही आपके मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आते हैं, इसीलिए आपके चैप्टर का नाम ही रखा गया है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, राइट. चलो व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, हमारा अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है. आपका 71% पूरा का पूरा पानी है यहाँ पे. हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं, एयर पढ़ा है, नाउ एयर की बारे में एक छोटा सा कॉन्टेंट आपका और है, मूवमेंट, ठीक है, जो आपकी बुक में एक छोटे से पैरा में दिया हुआ है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे. हमने ओशंस पढ़े थे, ठीक है, आपको ओशंस के नाम मैंने बच्चों से पूछे थे, बच्चे थोड़े कन्फ्यूज हो रहे थे, तो बच्चों डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है. आपका पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, सदर्न, सदर्न में हम एंटार्क्टिका भी कह सकते हैं, आप एंटार्क्टिका ओशन भी कह सकते हो, एंड द फिफ्थ इज द आर्कटिक ओशन. तो एक एक ओशन वाली वीडियो देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर करके वहाँ पे दी हुई है, ठीक है. कॉन्टिनेंट्स हम पढ़ चुके हैं, हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था, जहाँ पे हमने क्या देखा था, हमारी जो पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जहाँ पे जनरली ये सबसे क्लोजेस्ट टू द अर्थ होती है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ, राइट. स्ट्रेटोस्फेयर आपकी सेकेंड लेयर में आती है, और यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में सबसे स्पेशल क्वालिटी है, स्ट्रेटोस्फेयर में ज़्यादातर हमें जो हमारी ओजोन लेयर है वो मिलती है, और ये ओजोन लेयर करती क्या है, ये हमारे जो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशंस होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. नेक्स्ट हमारी आती है मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर क्या है, मेसोस्फेयर में आपके जितने भी आपके मतलब मीटियोर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, बर्न अप, ठीक है, बर्न अप मटेरियल कहते हैं ना, मीटियोर आ रहा था, हमने टूटता हुआ तारा देखा, मैंने आपको टूटते हुए तारे का कॉन्सेप्ट बताया था, कोई तारा नहीं टूटता, ठीक है, तारे अपनी जगह पे ही रहते हैं, आपके जो मीटियोर्स हैं वो अपने ऑर्बिट से अलग होके जोर से आपके जो अर्थ है प्लैनेट की तरफ गिरते हैं, और वो फ्रिक्शन की वजह से दे गेट बर्न अप. जब वो बर्न अप हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो क्या हो गए, दे सीम टू बी एज दी शूटिंग स्टार, ठीक है, वो हमें शूटिंग स्टार की तरह लगते हैं, बट इट वॉज नॉट, ठीक है. सो बर्न अप हो जाते हैं किसकी वजह से, फ्रिक्शन वाले प्रोसेस की वजह से, राइट. ये इस लेयर में होता है मेसोस्फेयर में. फिर जब हम थर्मोस्फेयर की बात करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था थर्मोस्फेयर क्या है. थर्मोस्फेयर इज अ लेयर जहाँ पे हमें आयंस पार्टिकल मिलते हैं, ठीक है, और ये पार्टिकल क्या करते हैं, ये हमारे रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं,
ठीक है, रेडियो सिग्नल्स ले लो, आजकल हमारे पास जीपीएस सिग्नल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं थर्मोस्फेयर तक। जब भी आपकी कितनी सैटेलाइट, मैं अगर थोड़ी बहुत बताऊँ तो एड्यूसेट, ठीक है, हमारे इंडिया के सैटेलाइट है, इनसेट, दीज आर द सैटेलाइट ऑफ द इंडिया, ठीक है। और ये सैटेलाइट आपकी जब लॉन्च करी जाती है तो एक ऑर्बिट, मैंने कहा था ना अर्थ के आसपास एक ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है, तो ये हमेशा ध्यान रखा जाता है इनको इतनी दूरी पे छोड़ा जाए कि हमारे अर्थ के पास प्रॉपर तरीके से हमें सिग्नल पहुंचाया जाए, ठीक है। तो थर्मोस्फेयर में यहाँ पे हमारे आयंस पार्टिकल होते हैं, आयंस आप ना साइंस में पढ़ोगे, ठीक है, आयंस क्या होता है, ये सनलाइट से चार्ज अप हो जाते हैं और हमारे रेडियो सिग्नल्स को हमारे तक पहुँचाते हैं, राइट। लास्ट आता है आपका एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे स्टार्स वगैरह होते हैं सबसे दूर, ठीक है, वो सारे हीलियम टाइप की गैसेस आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, ज़्यादातर हीलियम हमारे जो स्टार्स होते हैं वो हीलियम और आर्गन से बने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी, राइट। अब आ जाते हैं डेंसिटी ऑफ एयर में, हमने मूवमेंट ऑफ एयर में मैंने अभी तक इतना पढ़ाया आपको कि हमारे जहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, हमारे चारों तरफ, बच्चों सपोजिंगली आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक है, हमें चारों तरफ से एयर क्या कर रही है, पुश कर रही है चारों तरफ से, ठीक है, हमारे आसपास बिल्कुल ब्लैंकेट है ना, ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से, हमारे चारों तरफ से एयर क्या कर रही है, हमारे पर प्रेशर डाल रही है, ठीक है। और इसका हमें पता कब चलता है, जब हम पहाड़ी इलाके पे जाते हैं या फिर हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, तो जितना हम ऊपर जाएंगे, मैं ही अपनी बात करूँ तो हम लोग कभी किसी हिल स्टेशन पे गए थे, ठीक है, वो ना रोहतांग पास एक है, तो वहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे मुझे ब्रीथिंग इशू हो गया। सो इससे क्या पता चलता है, जो हमारा एयर का प्रेशर है, जो हमारे स्थलीय इलाके हैं यानी कि जो हमारे प्लेन एरियाज हैं या फिर आपका सी लेवल जो होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, जितना आप उससे ऊपर जाएंगे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो उसका आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, एयर प्रेशर दबाव कम होता जाएगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे मैम अगर चारों तरफ से एयर प्रेशर दे रहा है हमें तो हमें पता कैसे नहीं चलता, हमारे बॉडी का भी एक प्रेशर होता है, कैसा प्रेशर होता है बच्चे, हमारे बॉडी का कैसा प्रेशर होगा, हमारे ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं तो दोनों प्रेशर क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आप सेवन्थ में पढ़ोगे आराम से। इसीलिए हमें फील नहीं होता कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हमें फील तब होता है जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो हमारा धीरे धीरे वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर डिक्रीज होने लग जाता है, द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस इन ब्रीथिंग इशू, ठीक है, उनको ब्रीथिंग इशू होने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई क्लाइंबर्स होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वहाँ पर हवा की कमी हो जाती है, एटमॉस्फेयर लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। ये चीज़ें समझाई थी। नाउ एयर मूवमेंट हमने देखना था, एयर मूवमेंट क्या है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आएगा हवा कैसे मूव करती है, ठीक है। आप कहेंगे मैम क्या पढ़ा रही है, हवा तो चलती है अपनी मर्जी से, हवा का बच्चे एक पैटर्न होता है, ठीक है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी, क्या होता है लो प्रेशर, ठीक है, क्या होता है हाई प्रेशर, क्यों ह्यूमिडिटी हो जाती है अचानक से, ठीक है, ह्यूमिडिटी का टाइम क्यों आता है, क्यों गर्मी के बाद ही ह्यूमिडिटी क्यों आती है, पहले क्यों नहीं आती, कभी सोचा है, ठीक है, सर्दी के बाद एक टाइम आता है जब धीरे धीरे हमारे सनलाइट बढ़ने लग जाती है, और अगर मैं मई जून की बात करूँ, अप्रैल मई जून, तो इस समय सूरज की धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, सोलर इंसुलेशन, तो जो हमारे पास सनलाइट पहुँच रही है, ठीक है, उसको ज्योग्राफिकल टर्म में सोलर इंसुलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सोलर इंसुलेशन। जितनी ज़्यादा सोलर इंसुलेशन होगा, जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतना ही ज़्यादा आपकी ह्यूमिडिटी होगी, कहते हैं ना जितनी ज़्यादा धूप पड़ती है, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही बारिश होती है, क्यों, क्योंकि एक पहले हीट आएगी, ठीक है, हीट क्या करेगी, हमारे जितने भी सी लेवल है, जितना भी वाटर कंटेंट है उसको इवेपोरेट करेगी, इवेपोरेट करेगी तो वही ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, अब वहाँ पर क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे, फिर वो क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं वही क्लाउड्स हमारे प्रेसिपिटेटों के नीचे आते हैं, ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, तो ये जो हवा का मूवमेंट है ये कैसे होता है वो हमें समझना है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। कभी आपने महसूस किया है, मैंने आपको माउंटेन क्लाइंबिंग का एक बताया कि हम जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं हमारी हवा का ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे अर्थ पे ज़्यादा है, हम ऊपर जा रहे हैं तो कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन वगैरह हमारी सबसे टॉप लेयर में मिलते हैं, कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, मैंने आपको बताया हमारा एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, अर्थ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, अब कहेंगे अगर एटमॉस्फेयर इतना ब्लैंकेट है और अर्थ पे प्रेशर डाल रहा है तो हमें अर्थ हिलता क्यों नहीं है,
अर्थ पे मूवमेंट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर भी याद रखना एक प्रेशर है। क्या प्रेशर है? वो हमारे अर्थ के अंदर एक फोर्स है, और बहुत ही तगड़ा वाला फोर्स। मैं आपको कह सकती हूँ इसके, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ तो, दैट इज़ योर ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स की थ्योरी याद है ना? ठीक है, वो एप्पल नीचे गिरा था तो नीचे ही क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल, गुरुत्व आकर्षण फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये जो ग्रेविटेशन, ये जो प्रेशर है ना, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, ग्रेविटेशन नहीं, ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, कैसे वेरी करता है? मैंने आपको बताया माउंटेन एरियाज पे ये प्रेशर बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर से दूर होते जाओगे आपको प्रेशर कम मिलेगा, आपको ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। राइट, सम एरियाज हैविंग हाई प्रेशर, सम हैव लो प्रेशर। अब ऐसा क्यों होता है? मैं क्यों कह रही हूँ कि हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है और ऊपर की तरफ लो है, इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। अब सिर्फ इस लाइन को आपको याद रखना है बच्चे, मुझे पता है ये समझने में आपको लगेगा मैम क्या बोल रही हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे बता देना, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा जब भी हवा चलती है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसलिए कहते हैं जो हमारे समुद्री तटीय इलाके हैं, कोस्टल प्लेन एरियाज हैं, वहाँ से हवा आती है हमारे प्लेन एरियाज की तरफ। हमारे समुद्री तटीय इलाके कौन से हैं? एक तरफ है हमारा अरेबियन सी और एक तरफ है हमारा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और हमारा पूरा का पूरा आधा भारत हमारा इंडियन ओशन में डूबा हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारा अगर हम नीचे वाले एरिया की बात करें, हम साउथ इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे सबसे पहले मॉनसून आता है। बट वाई? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, जो हवा कहते हैं ना, हवा नीचे की तरफ से चलती है, हमारे इंडिया में हमेशा नीचे की तरफ से चलती है। जो समुद्री तटीय इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ से चलती है और हमारे प्लेन एरियाज की तरफ आती है। हाउ? सो उसको देख लो एक बार बच्चे, क्या समझाया मैंने आपको एक स्टेटमेंट में? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसको देखना, ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका अर्थ है और यहाँ पे आप खड़े हैं। राइट, अर्थ क्या कर रहा है? अपनी ऑब्वियसली सनलाइट दे रहा है। ठीक है, जब ये सनलाइट देता है ना, ठीक है, मतलब इसकी सूरज की रोशनी से, इसको हम बोलते हैं सोलर, आप नाइन्थ में पढ़ोगे सोलर इंसोलेशन, यानी कि सूरज की किरणें, गर्मी। ठीक है, जब वो यहाँ से पड़ती हैं तो एयर क्या करती है? हीटअप हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हवा क्या होती है? बहुत गर्म हो जाती है। राइट, जब ये गर्म होती है ना, ठीक है, अब जब जो जो चीज़ गर्म हो जाती है, कहते हैं ना हवा ऊपर की तरफ भाप बन के ऊपर उड़ जाती है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। ठीक है, तो अब ये ऊपर, यहाँ पे जगह खाली हो गई, तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे जिन एरियाज में सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर लो प्रेशर होता है, जैसे कि हमारे प्लेन एरियाज। ठीक है, हमारे प्लेन एरियाज यानी कि स्थलीय इलाके, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग जितना पहाड़ी इलाकों पे चले जाओ, पहाड़ी इलाकों पे रहता टेम्परेचर कम है, लेकिन सूरज की रोशनी वहाँ पे दिन के टाइम में बहुत पड़ती है। ठीक है, तो जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे हमेशा लो प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा सनलाइट होने की वजह से ये हीटअप हो जाते हैं और हीट होके ऊपर की तरफ होते हैं। जब ये ऊपर की तरफ होते हैं तो ये डाइवर्ट होते हैं, ठीक है, और मूव करते करते हमारे जो समुद्री एरिया ना, जहाँ पे धूप कम पड़ती है वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ बैठ के हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं। हाई प्रेशर से जब यहाँ पे विंड आ गई तो इस तरफ को ये मूव करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जितना भी आपका सी लेवल है, ठीक है, जहाँ पे आपका समुद्री एरिया होता है वहाँ पे ना सनलाइट बहुत ही कम होती है, और वो वहाँ से हवा क्या होती है, हमारी प्लेन एरियाज की तरफ बढ़ती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप सिर्फ इतना याद रखो बच्चे, आपका हाई प्रेशर कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपका सी एरिया होता है, और समुद्री एरिया से सनलाइट की वजह से वहाँ पे हवा क्या होती है, हमारे प्लेन एरियाज की तरफ बढ़ती है। राइट, सो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ द एयर। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना आएगा, द एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ द एयर। ठीक है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्यों मूव करती है? बिकॉज ऑफ द सोलर इंसोलेशन एंड दैट इज कॉल्ड द सनलाइट। ठीक है, इतना याद रखो बस आप। यहाँ पे भी देख लो बच्चे, ठीक है, ये आपका क्या हुआ है, आपकी सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट की वजह से आपकी एयर हीट अप हो गई और ये क्या करती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है, और ये हवा है ना बहुत गर्म होती है, लू सुना है, लू होती है ना, लू चलती है गर्मियों में, वो यही होती है।
ठीक है। इसके बाद आगे जाती है, हवा बहती रहती है बहती रहती है, उसके बाद नीचे की तरफ बैठ जाती है जो क्योंकि भारी हो जाती है। अब धूप की वजह से गर्म तो हो गई, लेकिन वही हवा क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई, फिर हमारे क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है, ठीक है, और इसी की वजह से ये मूवमेंट होता है। नाउ अब आ जाते हैं लास्ट स्फीयर पे, दैट इज़ योर बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है बच्चों, सबसे पहले तो याद रखना बायोस्फीयर की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो एक ही चीज़ लिखनी है, दैट इट इज़ अ इंटरैक्शन पॉइंट, इंटरैक्शन बिटवीन द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ की मेजर डोमेन्स क्या है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड योर एटमोसफेयर, तीनों के इंटरैक्शन पॉइंट को वी कॉल इट बायोस्फेयर। द बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है, लैंड, वाटर एंड एयर। मैंने इसमें सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल दिया था वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल क्या है, पानी इवेपोरेट होता है, भाप बन के ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाता रहता है तो फिर वो हवा ठंडी हो जाती है। अब हम पानी जब बॉयल करते हैं तो वो भाप जब इवेपोरेशन होता है तो हम प्लेट ढक देंगे तो उस पर हमें पानी की बूंदें मिलती हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे रियल में भी होता है, ठीक है, हमारे जितने भी सीज ओशन हैं वहाँ से इवेपोरेट होते हैं, ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, और वही क्लाउड जब हैवी हो जाते हैं तो वही प्रेसिपिटेट होकर नीचे आते हैं, ठीक है। सो द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। इन्हीं को, इन तीनों के कॉन्ट्रैक्शन इंट्रैक्शन पॉइंट को ना हमने एक वर्ड में डिफाइन कर दिया, इसलिए हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर का मतलब ये है कि बच्चे ये ना लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, द मेन डोमेन ऑफ लाइफ। कैसे सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दी थ्री अदर डोमेन्स, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन इस तरीके से समझो, दैट इट इज़ द मेन पोर्शन जहाँ पे हमारी लाइफ सपोर्ट होती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। ये बायोस्फीयर से लिंक्ड होते हैं, हमारे एनिमल्स भी लैंड पे रहते हैं, उनको भी वाटर चाहिए, उनको भी एटमॉस्फेयर चाहिए, एज सिंपल एज सेम एज द ह्यूमंस, ठीक है। सो आपका प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, या फिर आपका ह्यूमन किंगडम हो, सो एवरीबडी इज लिविंग बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन, इंटर रिलेशन बिटवीन द थ्री डोमेन्स, ठीक है, क्लियर है। एक पिक्चर देख लो, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। सो दीज आर योर वाटर बॉडीज, ठीक है, ये क्या है, वाटर बॉडीज है, हमारा हाइड्रोस्फेयर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी भी आपकी वाटर बॉडीज हैं आपकी सोलर इंसुलेशन की वजह से, सोलर इंसुलेशन इज योर सनलाइट, राइट, यहाँ से ये इवेपोरेट होंगे, ठीक है, जितने भी हैं ये इवेपोरेट होकर ऊपर जाएंगे, इवेपोरेट होके ये सारे ऊपर जा रहे हैं, लिथोस्फेयर से इवेपोरेट हो रहे हैं क्योंकि लैंड पोर्शन नीचे है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये धीरे धीरे ना बादल, आप देखोगे पहले तो कभी कभी हमें वाइट दिखते हैं, फिर कुछ टाइम बाद हमें ब्लैक ब्लैक कलर के क्लाउड्स, वो कहते हैं ना बादल बन गए, वो बादल कैसे बनते हैं, वो बादल हमारी वाटर ड्रॉपलेट से बनते हैं बच्चे, क्योंकि यही जो भाप है, यही जो इवेपोरेशन, इसलिए कहते हैं जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितना ज़्यादा सोलर इंसुलेशन होगा आपका, उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतने ही ज़्यादा क्लाउड्स फॉर्म होंगे, जितने ज़्यादा क्लाउड फॉर्म होंगे उतने ही ज़्यादा आपकी बारिश बन के नीचे आएगा, ठीक है। अब बारिश भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन, हमारा खेती बाड़ी, ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड हैं जहाँ पर हमारा जो रेन है वो सबसे ज़्यादा मेन कॉम्पोनेंट है फॉर दी प्लांट्स, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस चलता है हमारा वाटर साइकिल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रोसेस है, राइट। चलो अब एक टॉपिक आपकी बुक में छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है, हाउ वी आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अगर मैं इसमें बात करूँ तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले आता है डीफॉरेस्टेशन। अब बच्चों ने मुझसे पूछा मैम डीफॉरेस्टेशन क्या होता है, ठीक है, मैंने पहले ही देख लिया था आपका कॉमेंट, डीफॉरेस्टेशन इज कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं, या बहुत सारे और लोग क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं। अब इसे प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, इट कॉजेज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन समझो, इरोजन समझो खाली, पहले आपके हिली एरियाज होते हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे आपने देखा है कभी आप किसी हिली एरियाज में हिमाचल वगैरह जाते हैं ना, तो पहाड़ों पे इस टाइप की टेरेसेस बनी होती हैं और उस पर बड़े ग्रीन ग्रीन कलर की प्लांटेशन हो रही होती है, ठीक है, वो क्यों बनाते हैं। यहाँ पे जब बारिश होती है, ठीक है बच्चे, जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, बारिश होती है, तो यहाँ से ना मिट्टी क्या करती है, मिट्टी आगे की तरफ बह जाती है, और इससे क्या होता है,
जो हमारी फर्टाइल सॉइल है जिसमें प्रोडक्शन किया गया है वो बह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, इस टाइप की टेरेस फार्मिंग कर देते हैं। इस टेरेस फार्मिंग से क्या होता है, ये बाउंड्री पे जो हमारी सॉइल है ये रुक जाती है, आगे फ्लो आउट नहीं करती, ये आगे की तरफ जो बह जाती है इसको हम कहते हैं इरोजन। क्या कहते हैं? इरोजन, ठीक है। तो दिस रिमूवल ऑफ सॉइल, ये जो हम सॉइल खो देते हैं अपनी फर्टाइल, अपनी अच्छी वाली सॉइल, इसको हम इरोजन कहते हैं, और ये कहीं और जाके सेटल हो जाएगी, यानी प्लेन एरियाज में आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही नदियाँ भी करती हैं। सो ये हमारा सॉइल इरोशन हो गया। अब जब हम पेड़ काट देते हैं, तो आप जब किसी एक छोटे से प्लांट को जब आप उखाड़ते हो ना, तो नीचे से क्या निकलता है, नीचे से उसकी जड़ों में मिट्टी निकलती है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो डूइंग द सॉइल इरोशन। और इससे क्या होता है, हमारी लैंड पे इफेक्ट होता है, क्योंकि मिट्टी नहीं होगी तो पौधे नहीं उगेंगे, पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एब्जॉर्ब होगा, सो दैट क्रिएट दी दैट अफेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। सम नेचुरल क्लैमिटीज़, एक तो हम करते हैं, उसके बाद हमारे कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक और सुनामी। ये लोग बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन भी करते हैं, सॉइल इरोजन भी करते हैं, और मैसिव डिस्ट्रक्शन तो हमारा होता ही होता है, ठीक है, इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है। फ्लड आता है, फ्लड आप देखोगे जहाँ पे बाढ़ आती है, बाढ़ पानी तो एक बार को निकल जाता है, लेकिन फिर सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ पे ज़्यादा मलबा, सुना है, डेब्रीज बोलते हैं इंग्लिश में, तो मलबे में चीज़ें दब जाती हैं, गाड़ियाँ दब जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा फ्लडिंग होती है, तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं इस चीज़ के, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटीरियल इनटू रिवर, बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, हमारी नदियों में, हमारे लेक्स में, हमारे पॉन्ड्स में हम कूड़ा फेंक देते हैं, ठीक है। आप कभी समर वैकेशन में, मतलब कभी, अभी तो फिलहाल नहीं जा रहे, कोई भी नहीं जाता, ठीक है, लेकिन जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को बहुत मिलती हैं। आप जा रहे हो फॉर योर वैकेशन और आप उन जगहों को गंदा करके आते हैं, ठीक है, अपनी जगह तो गंदी करी हुई है, अब जो साफ है हम उसको भी गंदा कर देते हैं। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इज़ अ मेन कॉज, और आज की डेट में ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था क्या होता है, आपकी जो CO2 है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स CO2 का लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है CO2 का लेवल, CO2 को एक्सहेल करने वाले लोग नहीं है ना, CO2 को एक्सहेल कौन करता है, हमारे प्लांट्स, ठीक है, हमने प्लांट्स ऑलरेडी काट दिए, अब ये CO2 बेचारा जाएगा कहाँ, ये क्या करता है, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हमारा जो अर्थ है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वार्म होता चला जाएगा, यानी गर्म होता चला जाएगा, और हमारे टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाएगा। इसीलिए मैंने आपको कल भी कहा था, हमारा जो आजकल का टेम्परेचर है 45-46 तक टच कर जाता है, कई राज्यों में तो 49 तक भी जाता है, इस बार तो नहीं गया खैर, ठीक है। सो अ नीड टू लिमिट द रिसोर्सेज, हमें क्या करना है, हमारे संसाधन जो हैं, संसाधन मीन्स हमारे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, पानी की बचत करना, कोयला वगैरह जो हमारा रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इसको कम यूज़ करना, क्योंकि इससे भी हमारे CO2 प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और वो भी अफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। ऐसे ही हमारे संसाधनों को बचाएं, ठीक है, उसको वेस्ट ना करें। लैंड इज ऑल्सो अ रिसोर्स, वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्स, सो वी नीड टू कंजर्व देम, ठीक है। पहले हम बर्बाद करते हैं, फिर हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो बर्बाद ही मत करो ना, कंजर्वेशन की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैं हर बार कहती हूँ, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, कहीं अपने आसपास लगाओ, अपने घर के अंदर लगाओ, जस्ट ग्रो इट एयर ऑफ द अर्थ टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ द नेचर। और हम नेचर का बैलेंस कैसे होगा, जब लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर तीनों के तीनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो क्विज ले लें फटाफट सा, चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्लियर आउट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन लो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कीप्स अर्थ वार्म, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर आपका नन ऑफ दीस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, एयर एंड वाटर, क्या है हमारा नैरो जोन, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। डन है,
चलो दो ही क्वेश्चन थे बच्चे आपके क्विज में. विच ऑफ द गैस कीप योर अर्थ वार्म, सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. और ये किसकी वजह से बढ़ रहा है आजकल? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड मेनी अदर रीजंस. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट. नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट इज द बायोस्फेयर. हाउ? ये आपका बायोस्फेयर कैसे होगा? आपका हाइड्रोस्फेयर है नीचे की तरफ, ठीक है. आपका एटमोस्फेयर है ऊपर की तरफ, और आपका लिथोस्फेयर तो चारों तरफ ही है, ठीक है. अब इन तीनों के कॉन्टैक्ट जोन को, इस पोर्शन को, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करते हैं, इसका डायग्राम ही ना ऐसे बनता है. आपकी बुक में कहीं भी देख लो, ऐसे ही डायग्राम होगा, ठीक है. तो ये जो नैरो जोन है, दिस इज कॉल्ड दी बायोस्फेयर. और इन तीनों के इंटरैक्शन पॉइंट की वजह से द लाइफ इज बिंग गेटिंग ईजी एंड ईजी, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है, और जिसको हम इफेक्ट कर रहे हैं. चलो, यहाँ पे दो क्वेश्चन, दो कॉमेंट्स लिए हैं मैंने. आप अच्छा, डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो बच्चे आप क्या करो, रिपीट कर दो, ठीक है. एक बार जो भी आपकी क्वेरी थी, क्वेश्चन था, उसको रिपीट कर दीजिए. मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लासेस ऑफ रूटीन. आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आपने रूटीन लिखा है. तो मॉर्निंग में बच्चे आपकी जो क्लासेस है, दैट इज़ 11 AM, जो कि मैं हर क्लास में बोल देती हूँ. इवनिंग में जो आपका रूटीन है, दैट इज़ योर 6 PM, ठीक है. तो आ जाना, अनाउंसमेंट करते हैं. क्लास 6 की इंग्लिश मीडियम का जो VIP कोर्स है, वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, होमवर्क, टेस्ट, एवरीथिंग यू गेट. टॉप टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, साथ ही डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके बहुत सारे होते हैं. साइंस और मैथ्स के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं. 90+ या 85 तक बच्चे स्कोर करते हैं, ठीक है. डाउट नेट आपका नंबर 1 इंस्टीट्यूट है डाउट सॉल्विंग के क्षेत्र में. साथ ही बच्चों, आपको हर चीज़ के वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है. क्लासेस चाहे क्लासेस के टाइम पे देखें या बाद में, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है. पिक्चर्स अपलोड करते हैं क्रॉप करके, तो आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन मिल जाता है. होमवर्क के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं. आप कमेंट करते हैं, कमेंट में टीचर्स आपको खुद रिप्लाई करते हैं. दैट इज़ अ बेस्ट थिंग. आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो. सो क्या आप क्लास इसका VIP कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे? एक पोल आएगा, जल्दी से क्लिक कर दो. डन है. सो डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ लिया, लिथोस्फेयर, कॉन्टिनेंट, ओशियन, एटमॉस्फेयर, एंड लास्टली हमने बायोस्फेयर के बारे में भी क्लियर आउट कर लिया. कल मैंने आपको क्या पूछा था, व्हाट इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ? तो द टॉप लेयर इज एग्जॉस्फेयर. अगर फर्स्ट लेयर पूछती तो आपका ट्रोपोस्फेयर आता. इन विच लेयर वी हैव ओजोन? तो बच्चे इसमें लिखना है आपको स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है. आपको ध्यान से पढ़ो, आपको भी लर्न हो जाएगा. वीडियो ही देख लो, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है. सो डोंट वरी फॉर दैट. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हाउ द विंड मूव, ठीक है. आज के कॉन्सेप्ट में एक चीज़ बताई है ना, हाउ द विंड क्रिएट लो प्रेशर. क्या रीज़न होता है, किस चीज़ की वजह से हमारा जो विंड है वो लो प्रेशर क्रिएट करती है, और क्यों करती है, ठीक है, वो भी बताना है. नेक्स्ट क्लास में विल हैव द NCERT डिस्कशन, ठीक है, कल संडे. तो एंजॉय योर संडे, एंजॉय योर वीकेंड, एंड मंडे मिलते हैं विद योर NCERT क्वेश्चंस. टिल देन बच्चों, टेक गुड गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.